नमस्कार, टैरो से किस्मत कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ नितिशा अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट कुंजल कासलीवाल। कुंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और आज के संडे को और भी खास बनाने के लिए आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक छोटे से गेम की। आज हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम जिसमें हम बात करेंगे एंजल गाइडेंस की। तो कुंजल जी, हमारे आसपास की एनर्जी यानी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या कुछ मैसेज लेकर आए हैं वो हमें बताइए। आज मैं लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा गेम आपके लिए। मैंने कार्ड्स को दो ग्रुप्स में बांटा है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। आपको दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप चूज करना है। हर एक ग्रुप के पीछे एक मैसेज है आपके पूर्वजों का आपके लिए। जो भी ग्रुप आप चूज करेंगे उसके पीछे जो पर्टिकुलर मैसेज होगा वो होगा आपके लिए। अब आपको ग्रुप वन में से चूज करना है या ग्रुप टू में से चूज करना है, आप चूज कीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको आंसर। अगर आपने ग्रुप वन चूज किया है तो आपके एंजल्स यानी आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में और किसी वजह से परेशान है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है यानी अंदर की आवाज़ को आपको सुनना है, क्योंकि ये आवाज़ कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की ही आवाज़ है। वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, अपना आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन है वो एक साल में बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। बस अपने अंदर आपको भरोसा रखना है कि सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। अगर आपने ग्रुप टू को चूज किया है तो मैं आपके लिए बताती हूँ मैसेज क्या है। जो भी सिचुएशन आप सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि प्लानिंग करते हैं, डिसीजन अगर उसका हुआ तो क्या होगा, तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट टेक एक्शन। आप सिर्फ सोचे नहीं, उस पर एक्शन भी लीजिए। ओके, बिना एक्शन लिए आप ये मत सोच लीजिए कि आप सिर्फ फेल होंगे। आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना एक्शन ले। ये तो बात हो गई आज की एंजल गाइडेंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशियां क्या कुछ कहती हैं, कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपका बर्थडे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच आता है तो आपकी हुई मेष राशि। जानते हैं आपका वीक कैसा होगा। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो आप अपने आप को छुपाएंगे इस हफ्ते। आप थोड़ा शांत रहेंगे, अपने आप में समय बिताएंगे। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात देखें तो वीक बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आपकी इच्छा थी तो हो सकता है आपकी इस वीक वो पूरी भी हो जाए। आपका मन भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा। गाइडेंस में आपके लिए ये पुल आउट करती हूँ कि जो आपके बॉस हैं या आपके जो सुपीरियर हैं, आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। आपको अच्छी लगे या बुरी, पर उनकी एडवाइस इस वीक आपके लिए बहुत काम देगी। आपको थोड़ा सा इस हफ्ते सेल्फिश भी हो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। बस एक चीज़ मैं कहूँगी कि पेपर वर्क और कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, क्योंकि कोई आपके साथ कुछ छोटी सी गड़बड़ कर सकता है। इस हफ्ते आप अपने बारे में सोचेंगे और करियर के ऊपर भी फोकस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वृषभ राशि के बारे में आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 20 अप्रैल से 20 मई के बीच आता है तो आपकी राशि हुई वृषभ राशि। जानते हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो आपके लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है या कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। बात करें करियर और फाइनेंसेस की तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी इस वीक। आपका यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे, आप प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस में पुल आउट करूं तो ये कहूंगी कि लाइफ में कोई ऐसे डिसीजंस लेने हैं, कोई ठोस कदम उठाने हैं तो वो आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे आपके लिए। आप दूसरों पर ये बातें न टालें। इस वीक डिसीजन लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। इस हफ्ते आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है और आप इस हफ्ते पॉजिटिव भी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मिथुन राशि के बारे में आपके लिए क्या कुछ है। अगर आपका बर्थडे 21 मई से 20 जून के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मिथुन राशि। जानते हैं आपका वीक कैसा रहेगा। लव रिलेशन और इमोशंस को देखें तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बनेगा आप दोनों का। आप लोगों से कनेक्ट करेंगे इस वीक। करियर, जॉब और फाइनेंसेस को देखें तो आपका दिल आपके काम में लगेगा। आपका दिमाग
और दिल दोनों एक साथ काम करेंगे आपके लिए। कुछ लकी भी डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो ये है कि किसी ऐसे इंसान की हेल्प लें जो बहुत हायर पोजीशन पे बैठा है। वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस देगा। जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, उसे सिर्फ कागज या मन तक न रखें, उनको एग्जीक्यूशन में लाएं। राशियों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुंजल जी, हमारे कुछ दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। हमारे पहले कॉलर हैं देवर्षि, कानपुर से। मैं देवर्षि तिवारी बोल रहा हूँ, कानपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1993। मेरा सवाल यह है कि मैं जुडिशरी की तैयारी, PCS एग्जामिनेशन की तैयारी 4 साल से कर रहा हूँ और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? शुड आई कंटिन्यू? बिकॉज मैं एक जगह और काम कर रहा हूँ जो कि जुड़ी, मतलब लीगल से ही रिलेटेड है जॉब, बट आई ईगरली वॉन्ट टू क्रैक दिस जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो वॉट शुड आई डू, क्या करना चाहिए मुझे? देवर्षि, आपके क्वेश्चंस के लिए मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। जानते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, आप कब तक एक जज बन जाएंगे। देवर्षि, 4-5 महीने मुझे कंपटीशन और स्ट्रगल के दिख रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी 2024 आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आपको नेक्स्ट ईयर कड़ी मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी एडवाइस है 2025 में फिर से डीले हो जाएगा आपके एग्जाम में। देवर्षि, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारी कशिश जी हैं, झालावाड़ से। जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम कशिश है और मेरा जन्म 13 नवंबर 2003 में शाम 6 बजे हुआ था। मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी और मेरी शादी कब तक होगी। कशिश, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए कार्ड पुल आउट कर लेती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। कशिश, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि 5 से 6 महीने में अगर कोई आपके लिए एग्जाम आ रहा है तो प्लीज़ उसकी अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि चांसेस है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई और नहीं करती हैं तो 2024 में चांसेस आपके लिए कम हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपके लिए चांस आएगा ईयर 2025 में। रहा आपका बात शादी का, तो मैं देख लेती हूँ। शादी के लिए मुझे 1.5 से 2 साल आपके लिए अच्छा दिख रहा है, पर मेरी इंट्यूशन और मेरी पर्सनल गाइडेंस है कि आप शादी से पहले अपने करियर पे फोकस करें। कशिश जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। अब आपकी समस्या का समाधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन राशियों की भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई के बीच आता है तो आपकी राशि हुई कर्क राशि। लव, रिलेशंस और इमोशंस को देखें आपके इस वीक में, तो आप अपने बचपन की यादों से जुड़ेंगे, आप अपने परिवार से जुड़ेंगे, बड़ों का सपोर्ट लेंगे आप। अब बात करते हैं करियर और फाइनेंसेस की, कि आपका वीक कैसा रहेगा। बात करें फाइनेंसेस की, करियर की, तो मुझे कुछ नया ज़रूर दिख रहा है, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे। फाइनेंशियली और करियर वाइज देखें तो बहुत आप यंग और एक्टिव फील करेंगे। गाइडेंस में आपके लिए पुल आउट करूँ तो ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको इस वीक। नींद आपको पूरी लेनी है, टाइम से ही सोना है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे तो जो अच्छा होने वाला है आपके लिए आप उसको ख़राब कर सकते हैं। इस वीक आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और एक्टिव फील भी करेंगे, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आप सोचें वो आप ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिंह राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच आता है तो आपकी राशि हुई सिंह राशि। लव, रिलेशंस और इमोशंस को देखें कि आपके वीक में कैसे होने वाले हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपके रिश्ते की बात चले कहीं पर, कहीं घूम कर आना, बॉन्डिंग अच्छी होना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वीक के लिए। करियर और जॉब को देखें तो आपका फोकस पैसों पर ज़्यादा रहेगा, आपके बॉस से आपको सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेस कम होता हुआ फील होगा, बैलेंस आएगा इस हफ्ते आपके लिए। गाइडेंस में पुल आउट करूँ तो आपको थोड़ा खुद पर खर्चा कर लेना चाहिए इस वीक, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए और कम्फर्ट चाहिए, तो ये एक रेमेडी है कि थोड़ा सा छोटा सा खर्चा जरूर करें अपने ऊपर। अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए तो थोड़ा सा तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कन्या राशि, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई कन्या राशि। जानते हैं आपका वीक कैसा होगा।
लव रिलेशन और इमोशंस को देखें तो इस हफ्ते परेशान हो सकते हैं और उस परेशानी से नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ को लेके थोड़े से आप परेशान रहेंगे, पर ट्रस्ट मी, जो कार्ड आपके करियर, जॉब और फाइनेंसेस के लिए आया है वो इतना लकी है कि आप अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। आपके लिए ये वीक लकी साबित हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ये वीक आपके लिए और भी अमेजिंग साबित हो सकता है। गाइडेंस में आपके लिए पुल आउट करूँ तो ये है कि कहीं घूमने निकल जाएं, किसी दूर मंदिर में जाके दर्शन करके आएं। आपने एक किशोर कुमार का गाना तो सुना ही होगा कि चला जाता हूँ किसी की धुन में मैं, ये गाना मेरे जीवन साथी फिल्म का है। इस सॉन्ग को भी आप एक रेमेडी की जैसे सुन सकते हैं इस हफ्ते। आज हम बात कर रहे हैं एंजल गाइडेंस की, साथ ही साथ राशियों की भी बात कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे राशियां क्या कुछ कहती हैं। बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपका बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई तुला राशि। इस वीक लव रिलेशन और इमोशंस को देखें तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कोई न्यूज़ मिल सकती है या कोई आपको पसंद आ सकता है, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात करें तो आप थोड़ा सोच विचार में दिख रहे हैं मुझे इस हफ्ते, पर ज़्यादा सोचना नहीं है, बस रिस्क लेना है और अपना काम करते जाना है, क्योंकि आपके अंदर मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। गाइडेंस में पुल आउट करूँ तो ये है कि फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें, पैसों को लेके ज़्यादा थॉट्स न लेकर आएँ इस वीक अपने अंदर, इमोशंस पे फोकस करें, क्योंकि ये वीक आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। एज अ रेमेडी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कोई अच्छी सी चीज़ खरीदे घर को सजाने के लिए इस वीक। इस हफ्ते आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है और आपने एक चीज़ सुनी होगी, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो रिस्क लेने से पहले ज़्यादा सोचिए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वृषभ राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई वृश्चिक राशि। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो वीक काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, ट्रैवल भी आपके लिए पॉसिबल है, एक पैशन बढ़ेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होती हुई फील होगी आपको। करियर की बात करें तो इस वीक आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए, अगर आपके पास कोई लीव्स पड़ी हैं, पेड लीव्स पड़ी हैं, तो छुट्टी ज़रूर ले, ये आपके लिए अच्छा होगा। गाइडेंस में आपके लिए पुल आउट करूँ तो अपनी हेल्थ को नंबर वन पर रखना है आपको इस वीक, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, अगेन रेस्ट ज़रूर करें, आसपास लोगों को देखें कि कौन आपके सामने सच्चाई से बात करता है या आपसे झूठ बोलता है। इस हफ्ते आप अपने बिजनेस या जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लें और अपने बारे में सोचिए। अब आगे जानते हैं धनु राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई धनु राशि। इस वीक लव रिलेशंस और इमोशंस को देखें तो आपके लिए भी ये वीक पॉजिटिव है, आप चार्ज्ड अप रहेंगे, आपके लिए भी ट्रैवल पॉसिबल है, पर फिर भी मुझे आपका फोकस करियर फाइनेंसेस पे ज़्यादा दिख रहा है। इस वीक आपके करियर को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट्स या स्ट्रगल हो सकते हैं आपके वर्किंग एरिया में, आपको लोग टेस्ट करेंगे, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा इस वीक। गाइडेंस में ये पुल आउट करूँ तो कोई फादर फिगर, यानी आप अपने पिताजी से बात करें अपने फ्यूचर को लेके, या अगर आपकी लाइफ में कोई सुपीरियर है उसकी एडवाइस ज़रूर लें। स्टेबिलिटी पे आपको फोकस ले आना चाहिए अपनी लाइफ में, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाएं और उसे ही इस वीक पूरा फॉलो करें। ये तो बात होगी तुला, वृश्चिक और धनु की, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, तो हमारे पहले कॉलर हैं दीपक जी, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। माय नेम इज दीपक मराड़िया फ्रॉम अजमेर लोकेशन एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 23 जून 1992। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी की बात चलती है बट कहीं से कंफर्मेशन नहीं आता, या तो मुझे समझ में नहीं आता या सामने वालों को समझ नहीं आता। अब ये समझ में नहीं आता क्योंकि रीजन हर बार होता है, कभी बात सक्सेस नहीं हो पाती है, और जो भी अगर बात चलती है बट वो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आता उनकी साइड से। दीपक जी, आपकी शादी के क्वेश्चन की बात करें तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दीपक जी, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी एज एन एडवाइस, मैं आपको ये बोलूँगी कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है, योग भी है, अपने बस मन को थोड़ा खुला रखिए, इमोशनली ज़्यादा सोच के डिसीजन ले, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2025 में फिर से आपकी शादी डीले होने के चांसेस हैं। एक बात मैं और ऐड करूंगी
कि आपको अपनी शादी को लेकर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो भी डीले हो रहा है आपकी लाइफ में, ये एक कार्मिक प्रोसेस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके अंदर सच में कोई कमी नहीं है। दीपक जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। अब ये तो बात होगी अपने कॉलर्स की, राशियों की भी बात कर लेते हैं। जानते हैं मकर राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मकर राशि। इस वीक देखते हैं आपके लव रिलेशन और इमोशंस कैसे रहेंगे। तो थोड़े बोर हो सकते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन शायद नहीं फील होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, बट आप ही थोड़ा बोर फील करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ नया आए मेरी लाइफ में। हो सकता है कोई ईगो क्लैशेस भी हो आपके इस वीक किसी के साथ। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात करें तो शानदार साबित हो सकता है। काफ़ी हाई ऑन एनर्जी रहेंगे, आपके पास सपोर्ट भी होगा, काम को लेके ट्रैवल भी पॉसिबल है, प्रमोशंस रिलेटेड भी कोई न्यूज़ या कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। गाइडेंस में ये पुल आउट करूँ आपके लिए तो इस वीक टीम एफर्ट पर आपको फोकस करना है। एज अ रेमेडी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को लेकर एक गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं, या उन्हें लंच या डिनर पर इनवाइट करें और उन्हें खाना खिलाएं। इस हफ्ते आप एक्टिव फील कर सकते हैं और प्रमोशन के भी चांसेस हैं। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच आता है तो आपकी राशि हुई कुंभ राशि। ओके, आपका वीक देखते हैं कैसा होगा। इस वीक इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा लटका हुआ महसूस करेंगे, यानी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपको लगेगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर एक एडवाइस मैं दूंगी कि चीज़ों को छोड़ दें। हो सकता है किसी लाइफ में आपको किसी इंसान को भी छोड़ना पड़े, बट ये आपके लिए ज़रूरी होगा। करियर, जॉब और फाइनेंसेस को मैं देखूं तो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है, जिस वजह से आप आगे जाके थोड़ा बोर्ड महसूस करेंगे। आपको लगेगा मुझे अब कुछ नया और चाहिए, जिसके लिए मैं और मेहनत करूँ। गाइडेंस में आपके लिए ये पुल आउट करूँ कि अपनी इच्छाएं जो हैं वो नई बनाते रहिए। एक कागज़ में अपनी जो भी विशेज़ है आपकी लाइफ की, उन्हें लिखकर, ग्रीन पेन से लिखकर कहीं छुपा दें और बस अपना काम करते जाएं अपनी लाइफ में। इस हफ्ते आप अपने बारे में सोच सकते हैं और कुछ नया भी सोच सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मीन राशि। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो हाईली पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए, किंग ऑफ कप्स। कुछ सच में लकी या फिर क्यूट होने के चांसेस हैं आपके साथ, पर जो भी होगा आप इमोशनली खुश रहेंगे इस हफ्ते। करियर की बात करें कि कैसा रहेगा आपका इस वीक, तो आपको अकेले में रहकर काम करने में ज़्यादा अच्छा फील होगा इस वीक। आपको लगेगा कि सक्सेस आपको फील नहीं हो रही है, बट ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा कि ये आने वाली सक्सेस से पहले की शांति थी। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो ये है कि अपने बॉस से बात करें या किसी काउंसलिंग सेशन के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त एक बहुत अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमने जान लिया कि राशि अनुसार आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं ग्रह की, और जो कि आपका सबसे फेवरेट ग्रह है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारी लग्जरी लाइफ, ब्रांड्स, खुशबू और लाइफ पार्टनर से जुड़ा होता है। तो इसी विषय में आज हम कुंजल जी से जानेंगे कि शुक्र ग्रह को बैलेंस कैसे करें। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और अमेजिंग लाइफस्टाइल टिप्स दूंगी आपके फेवरेट प्लैनेट वीनस प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए। आपने ये तो जान लिया कि हम शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट को लग्जरी, कम्फर्ट, हाई एंड ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, पर क्या आपको पता है वीनस जो प्लैनेट है यानी शुक्र ग्रह, हमारी लाज का भी कारक होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में वीनस को बैलेंस करना है तो ध्यान रखें कि दूसरों की लाज का भी आपको रिस्पेक्ट पूरा करना चाहिए। लाज को हम हमारे कपड़ों से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कपड़ों से हमारा तन ढकता है, हमारी लाज बचती है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको आप नए कपड़े दान में दे सकते हैं। दूसरा, आजकल चलन चल गया है कि लोग दूसरों की लड़कियों, औरतों और दूसरों के घरों में बहुत गॉसिप करते हैं, उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसके घर में ये चल रहा है, पर क्या आपको पता है ये ही चीज़ें आपके ही शुक्र ग्रह को डिसबैलेंस कर देती है। किसी लड़की ने, औरत ने या किसी ने अपने घर की कोई बात, कोई समस्या आपको बताई है तो उसके पीछे से उसकी धज्जियाँ न उड़ाएं। आपका शुक्र ग्रह तो बिगड़ेगा ही,
ऊपर से आपके भी घर में और आपके घर के लिए भी यही बातें होंगी। आजकल मैं बताना चाहूंगी कि एक और चलन चल रहा है, इंग्लिश के टर्म्स बहुत चल रहे हैं तारीफ करने के लड़कियों के, वो सब अपशब्द, वो जो टर्म्स हैं हमें उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। सबसे सिंपल और सोबर तरीका है किसी भी लड़की की तारीफ करने के लिए कि कह दें यू आर सो ब्यूटिफुल। वल्गर टर्म्स का इस्तेमाल न करें, आपकी लग्जरी तो आपके हाथ से जाएगी ही चाहे से आप कितना भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर लें। सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी पुराने गाने, उन्हें सुनिए कि कितने प्यार से, कितने प्यारे अंदाज में लड़कियों की तारीफ नेचर से जोड़ के, फूलों से जोड़ के, पानी, चंद्रमा, इन सब से जोड़ के की जाती थी। तीसरा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा भी हैं तो आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स में नहीं जाना चाहिए। आपका जो शुक्र ग्रह है आपके लिए कोई भी फायदा नहीं करेगा, लग्जरी जो अगर आपके पास है वो भी चली जाएगी, ऊपर से आप शिव जी को भी नाराज कर देंगे। आने वाले समय में आपके साथ भी फिर यही होगा, भूलिए नहीं। चौथा, ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में बहू, बेटी, माँ और बहन है, वो रोती हैं किसी बात को लेकर, परेशान है, और आप उस चीज़ को लेके कुछ नहीं कर रहे हैं या उस परेशानी का कहीं आप ही कारण है, तो याद रखिए कि जिस घर में औरत रोती है उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। लग्जरी, पैसा, कंफर्ट, लाज कभी भी कदम नहीं रखता उस घर में। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बहू, अपनी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, आपकी फीमेल फ्रेंड्स भी हो, उन सबका ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप उन्हें कभी दुख ना पहुँचाए। पांचवा, आप अपने घर में पेड़ पौधे तो लगाते होंगे, पर वीनस को बैलेंस करने के लिए ऐसे पौधे अगर लगाएं आप जिसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं और उन फूलों में से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो भी आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। छठा, अच्छे अच्छे खुशबू वाले परफ्यूम्स लगाएं। महंगे ब्रांड के परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस खुशबू अगर बहुत अच्छी है आपका शुक्र ग्रह बैलेंस होगा। सेवन्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट है रोज़ नहाएं, डीले ना करें अपने नहाने के शेड्यूल को, अपने आप को साफ रखें, अपनी हाइजीन पर बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, ग्रूम करें, क्योंकि शुक्र को गंदगी पसंद नहीं आती, शुक्र को फ्लैशी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। देखिए आप कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप कितना तैयार होकर जाते हैं, कितने अच्छे से अपने बाल बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, वैसे ही घर में कम से कम आप ये ध्यान रखें कि अपने जो भी कपड़े हैं उन्हें आयरन करके यानी इस्त्री करके पहने, क्रीज वाले कपड़े न पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। कुंजल जी, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान या चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल या फिर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं लेती हूँ विदा और आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।